हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नियो वर्ल्ड। दोस्तों मेरा नाम है नवीन और आज के ये वीडियो दोस्तों काफी खास होने वाला है आप सभी कैंडिडेट्स के लिए। बिकॉज फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इग्नो की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फाइनली इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से आ चुकी है नई वैकेंसी, यानी कि इग्नू की तरफ से वैकेंसी आ चुकी है। और यहाँ पर जो वैकेंसी जारी की गई है वो आप देखते हैं, जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, यानी कि क्लर्क की वैकेंसी आप मान सकते हैं। तो क्लर्क की वैकेंसी आ चुकी है इस साल 2023 की। दोस्तों इस वैकेंसी के आवेदन जो है आपसे ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं, जो कि 22 मार्च से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं सुबह 10 बजे से। वहीं दोस्तों लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो आप देख सकते हैं 20 अप्रैल 2023 है। तो 20 अप्रैल 2023 से पहले आपको अप्लाई करना है, लगभग रात के 12 बजे तक जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वैकेंसी के लिए सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, आवेदन कब से कब तक चलेंगे, किस प्रकार आपको अप्लाई करना है, सारी जानकारी आपको देंगे स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप सिलेक्शन पाना चाहते हैं इग्नो की इस वैकेंसी के लिए तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी जानकारी हो। रोजाना इसी प्रकार सरकारी नौकरी की जानकारी के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों सीधा आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं जहां पर हम बात करेंगे आज की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में। दोस्तों ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है tipswarrantbus.xyz। यहां पर आपको सबसे पहले नई जॉब्स की अपडेट दी जाती है, तो वेबसाइट पर विजिट कीजिएगा और अप्लाई जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं आज की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि निकाली जा रही है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू की तरफ से नई वैकेंसी की, जो कि इस साल 2023 की नई भर्ती है। दोस्तों यहां पर जो वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी 200 यहां पर रिलीज की गई है। तो 200 अच्छी खासी भर्ती आपको देखने को मिल रही है। जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट यानी कि क्लर्क की वैकेंसी ये निकाली गई है। ऑनलाइन आपसे आवेदन मांगे जा रहे हैं, केवल आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा इस वैकेंसी के लिए। वहीं दोस्तों इस वैकेंसी के लिए आपको जो सैलरी मिल रही है और जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो क्या होगा, तो आप देख सकते हैं सैलरी आपको 19,900 से 63,200 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिल रही है, जो कि काफी अच्छी सैलरी है। वहीं दोस्तों सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, आपका एग्जाम लिया जाएगा जो कि सीबीटी आपका एग्जाम होगा टेस्ट, ठीक है। तो सीबीटी बेस्ड आपका एग्जाम लिया जाएगा। एग्जाम का पैटर्न क्या होगा वो आप यहां से चेकआउट कर सकते हैं। एग्जाम का पैटर्न यहां पर मेंशन किया गया है, इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। तो एग्जाम का जो पैटर्न है उसमें सबसे पहले जो सब्जेक्ट आपसे पूछा जा रहा है जनरल अवेयरनेस से आपके सवाल पूछे जाएंगे, 30 सवाल होंगे 30 नंबर के। वहीं दोस्तों दूसरे नंबर का जो सब्जेक्ट है रीजनिंग का है और जनरल इंटेलिजेंस का, जिसमें 30 सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं 30 नंबर के। वहीं दोस्तों यहां पर मैथमेटिक्स एबिलिटी से आपके सवाल पूछे जा रहे हैं 30 सवाल 30 नंबर के, ठीक है। और यहां पर उसके बाद हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज से आपके सवाल पूछे जा रहे हैं 30 सवाल 30 नंबर के, ठीक है। वहीं दोस्तों बात की जाए पांचवें नंबर के सब्जेक्ट की, तो कंप्यूटर नॉलेज से आपके सवाल पूछे जा रहे हैं 30 सवाल 30 नंबर के। कुल मिलाकर 150 सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं 150 सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं 150 नंबर के, ठीक है। तो यहां पर हर एक सवाल एक नंबर का है, ठीक है। इस प्रकार आपका एग्जाम का पैटर्न रहेगा, इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी होगी। बाकी आगे बढ़ते हैं एज लिमिट के बारे में, आपको बताते हैं कि एज लिमिट क्या रहेगी इस वैकेंसी के लिए। तो दोस्तों एज लिमिट जो यहां पर रखी गई है कम से कम 18 साल है, अधिकतम जो है 27 साल है। तो दोस्तों अगर आपकी एज 18 से 27 तो अप्लाई कीजिएगा। इसके अलावा रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा रिजर्व कैंडिडेट्स को, अगर आप एससी एसटी या ओबीसी एनसीबी कैंडिडेट्स हैं तो आप वो बेनिफिट भी ले सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात की जाए तो जनरल और ओबीसी के लिए 1000 रुपए फीस है, एससी एसटी के लिए 600 है और पीडब्ल्यूडी के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है। बाकी अदर कैंडिडेट जो भी हैं, जैसा कि जनरल ओबीसी एससी एसटी, इन सभी को पेमेंट जो है ऑनलाइन करना होगा, किसी भी मोड से आप पेमेंट करा सकते हैं, ठीक है। बात की जाए क्वालिफिकेशन की, तो यहां पर जो क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है वो 10+2 यानी कि 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप 12वीं कक्षा पास है तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई जरूर कीजिएगा, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको यहां पर देखने को मिल रही है। बात की जाए आवेदन कब से कब तक चलेंगे, तो आवेदन जो है ऑनलाइन आपसे मांगे जा रहे हैं, जो कि ऑलरेडी 22 मार्च से शुरू हो चुके हैं और 20 अप्रैल 2023 इसकी लास्ट डेट है। 20 अप्रैल से पहले आपको अप्लाई करना होगा। यहां पर आपको अप्लाई करने का लिंक दिया गया है, यहां से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहां पर क्लिक करेंगे आप सीधा नए पेज पर आ जाएंगे। यहां पर आपको पूरा नोटिफिकेशन दिया गया है, इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, सारी जानकारी आपको दी गई है जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आवेदन कब से कब तक चलेंगे, आपको यहां पर अप्लाई करने में या वैकेंसी के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत आ रही है तो दोस्तों यहां पर आपको एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, तो आप यहां पर आप कॉल भी कर सकते हैं। यहां पर आपको दो नंबर दिए गए हैं, सुबह 9 से शाम के 6 बजे तक जो है आप यहां पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस जो मैंने आपको बताई है वो यहां पर मेंशन है, आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फीस क्या ली जा रही है।
पेमेंट आपको कैसे करना है, कब से कब तक आप पेमेंट कर सकते हैं, वो सारी जानकारी यहाँ पर है। आपका जो एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा वो कब जारी किया जाएगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। आपका एग्जाम कब होगा, आंसर की कब जारी की जाएगी, रिजल्ट कब आएगा, सारी जानकारी यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। वही दोस्तों सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा और यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस यहाँ पर समझा रखा है कि किस प्रकार आप जो है इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने का बटन भी आपको यहाँ पर दिया गया है, यहाँ से आप क्लिक करके सीधा ऑनलाइन फॉर्म पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको लॉगिन सेक्शन मिलेगा, आप चाहे तो डायरेक्टली लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है, आपके सामने ऑनलाइन फॉर्म आ जाएगा। उससे पहले जो है यहाँ पर आप इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, नीचे जाइएगा, चेकबॉक्स को राइट कीजिएगा और यहाँ पर क्लिक टू प्रोसीड, ठीक है। तो क्लिक हियर टू प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है, आपके सामने ऑनलाइन फॉर्म आ जाएगा। कैंडिडेट्स का नाम देना है, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ देनी है, जेंडर सेलेक्ट करना है, आपकी आइडेंटिटी बतानी है, क्या है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, जो भी है। उसके बाद उनका नंबर मेंशन करना है, उसके बाद कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन में आपका नाम देना है, जो भी आपका एड्रेस वगैरह है पिन कोड के साथ मेंशन कर दीजिएगा, ईमेल आईडी क्या है आपका, मोबाइल नंबर क्या है, सब कुछ यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद परमानेंट एड्रेस आपका क्या रहेगा, एज इट इज है तो चेकबॉक्स को राइट कर दीजिएगा। उसके बाद सिक्योरिटी पिन में आपका जो नंबर है वो दे दीजिएगा, उसके बाद सबमिट कर दीजिएगा। बस सिंपल आपको इस प्रकार अप्लाई करना है। इसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट है जैसे कि फोटोग्राफ, सिग्नेचर, वो अपलोड कर दीजिएगा और फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा। इसी प्रकार आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने से पहले दोस्तों मैंने आपको फिर से कहा कि यहाँ पर नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन को चेकआउट कीजिएगा। कोई भी डाउट हो उस वैकेंसी के रिगार्डिंग तो कमेंट कीजिएगा वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, जो भी सवाल है आप टाइप कीजिएगा, जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।